कभी कभी किस्मत कुछ यूं तरीके से ढलान देती है और इंसान सोच में पड़ जाता है। फिल्म और टेलीविजन जगत की इस चमकती दुनिया में किसी को अंधेरा नसीब हुआ तो किसी को रोशनाई, पर क्या करें, जिंदगी है, बस यूं ही जीना पड़ता है। आज हम ऐसे इंसान से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे आपने टेलीविजन जगत में कुछ सेकेंड और कुछ मिनटों के लिए जरूर देखा होगा। साल 2000 का पहला दशक सब टीवी के नाम रहा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अलावा भी मजेदार सीरियल जाते थे, उनमें से एक था FIR। चंद्रमुखी चौटाला का वो मर्दाना अंदाज और बिल्लू गुलगुले गोपी की तिगड़े हंसाने को मजबूर कर देती थी। उनके अलावा भी दूसरे कलाकार भी थे जो किसी से कम भी नहीं थे। उनमें से एक कलाकार थे ईश्वर ठाकुर, जो कैमरा की फ्रेम के किसी एक कोने में खड़े हुए दिखाई देते थे। FIR के बाद वे भाभी जी घर पे है में भी दिखाई दिए। दोनों सीरियल्स में उन्हें बेहद ही कम डायलॉग मिलते थे, पर इन छोटे बड़े किरदारों में भी वे हंसाते थे। दुनिया में रुलाना आसान है पर हंसाना बहुत मुश्किल। ईश्वर ठाकुर जैसे लोगों ने दर्शकों को हंसाया है, पर आज उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही कमजोर है। उन्हें जरूरत है काम की। कोरोना की वजह से दुनिया भर के कलाकारों को तकलीफ हुई थी। ईश्वर ठाकुर की स्थिति भी कोरोना की वजह से गंभीर हुई। ये सिलसिला 2020 से शुरू हुआ। 48 साल के ईश्वर ठाकुर के कंधों पर बूढ़ी माँ और मानसिक रूप से दिव्यांग भाई की जिम्मेदारी है। 2020 के बाद वे खुद भी बीमार रहने लगे। किडनी स्टोन के वजह से उनका भी तनाव बढ़ा। दवाइयों के कारण पैसे बर्बाद हो गए और आज परिस्थिति ये है कि ना ही उनके पास काम है और ना ही पैसे। इस समस्या ने उन्हें और उनके परिवार को आश्रम में रहने को मजबूर किया। पहले लॉकडाउन के वक्त FIR और भाभी जी घर पे है कि कलाकारों ने अपने अपने हिसाब से आर्थिक मदद की थी, पर उतने में उनका गुजारा नहीं हो पाया। आज के दौर में वे काम की तलाश में हैं। किडनी के अलावा उन्हें मधुमेह और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियां भी हैं, जिसके चलते उन्हें बेहद सारी शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे इस कदर तक असहाय हो चुके हैं कि उन्हें डायपर की जगह न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों से हम दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप अपने हिसाब से उनकी मदद करें। मुंबई में आप किसी की भी मदद से उनसे संपर्क बना सकते हैं। सोनू सूद जैसे सेवाभावी लोगों के फाउंडेशन से आप उनसे संपर्क बना सकते हो। धन्यवाद।